हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए हिंडाल्को मेटल एंड माइनिंग के सेक्टर का एक बहुत बड़ा प्लेयर है हिंडाल्को। बड़ी खबर यहाँ सामने निकल के आ रही है, 2.8 बिलियन डॉलर की डील, वो भी अमेरिका में, यहाँ पे हिंडाल्को ने की है। बड़ी खबर ये है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरी पूरी इंडियन मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर भी धराशायी हो गए। अब हिंडाल्को की जब बात आती है तो एल्यूमिनियम कंपनी, सबसे टॉप की एल्यूमिनियम कंपनी है, मिनरल एंड मेटल की सेक्टर का ये शेयर बहुत ही बड़ा शेयर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम का ये शेयर मैं कहूँगा। अब हिंडाल्को के शेयर में इतनी बड़ी ये क्या न्यूज़ आ गई, जरा देखते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप टेक्निकल एनालिसिस की मेंबरशिप की आपकी 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको रिफंड हो जाएगी। अब सीधे देखिए बड़ी न्यूज़ के ऊपर, हिंडाल्को की जो ये अमेरिका में जो यूनिट है उसके थ्रू इन्होंने एक एल्ड्रिस कॉर्प को 2.8 बिलियन डॉलर की जो डील है यहाँ पे साइन की है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये हिंडाल्को की अमेरिकन ब्रांच जो है, इसको यहाँ पे 13 प्लांट जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में हैं उनको एक्वायर करेगी। बहुत ही ज़बरदस्त बात भाई, ये तो बड़ी खबर है हिंडाल्को के लिए। हिंडाल्को की क्या ये डील कल की डेट में बड़ी तेज़ी ला सकती है हिंडाल्को के शेयर में? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप की एक टॉप की कंपनी, चलिए भाई बहुत बढ़िया बात, इंडियन एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, और ये बड़ी डील एक बड़ा माइलस्टोन है, मतलब ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे है। चलिए अच्छी बात है, ये डील जो ये निकल के आई है, किस तरीके से ये डील है, जो क्लोजिंग परचेज प्राइस है 2.8 बिलियन डॉलर का, वहाँ पे 775 मिलियन की इक्विटी वैल्यू होगी, एज वेल एज अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन फॉर द एजम्पशन ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एल्ड्रिस करंट आउटस्टैंडिंग डेट, उसको क्लियर करेगा, और 50 मिलियन डॉलर का जो है अर्न आउट पेमेंट। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं। अब मैं आपको पहले हिंडाल्को के डिटेल पे लेके जाऊँगा, फंडामेंटल जरा देखिए इसको। 25,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इसका है हिंडाल्को का। प्राइस काफ़ी सस्ते में आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो 252 रुपये की बुक वैल्यू, प्राइस देखिए 113-114 का, अभी कुछ टाइम पहले और भी नीचे गिर गया था, मतलब 85-90 रुपये के आसपास आ गया था। 5 की अर्निंग पर शेयर, अब आपको कि 5 की अर्निंग पर शेयर है, हर 5 रुपये पे 1 रुपये कमा के देता है। कंपनी के ऊपर डेट देखिए 55,000 करोड़ का डेट भी है। जनरली आप देखोगे मेटल एंड माइनिंग सेक्टर के शेयर में डेट आपको चाहे वेदांता का देखो चाहे हिंडाल्को का देखो, डेट यहाँ पर दिखेगा। अब ये सच तो ठीक है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स और जानिए आप इसके। अगर आप इसमें देखोगे कि बड़े इन्वेस्टर कौन है, आप कहोगे ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है, जरा देखिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कितने शेयर्स हैं, 2,41,00,000। LIC के पास कितने शेयर हैं, 17,80,00,000 शेयर्स LIC के पास है हिंडाल्को के। नोमुरा के पास कितने हैं, 3,43,00,000 शेयर्स हैं। देखिए उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास कितने हैं, 15,53,00,000 शेयर्स हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास कितने हैं, ऑलमोस्ट 2,82,00,000 शेयर्स। SBI म्यूचुअल फंड के पास कितने हैं, 4,00,00,000 शेयर्स। आदित्य बिरला सन लाइफ के पास कितने हैं, 3,50,00,000 शेयर्स। फ्रैंकलिन टेम्पलर इन्वेस्टमेंट फंड के पास कितने हैं, 3,50,00,000 शेयर्स। इवन टेम्पलर म्यूचुअल फंड एंड एसोसिएट फंड इसके पास भी 3,00,00,000, मतलब ये बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनीज, यही भी बड़े बड़े फंड हाउस जो इन्वेस्टर इसमें हैं। बड़ी खबर जरूर है ये हिंडाल्को से रिलेटेड, लेकिन हिंडाल्को के शेयर को जरा टेक्निकल आस्पेक्ट से भी देखते हैं कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे हिंडाल्को की, 2016 में बड़ी गिरावट आई थी जब ये शेयर गिर के 190 से गिर के एकदम 60 रुपये पर आ गया था। ये सेकंड टाइम ऐसा लगा कि एक बड़ी गिरावट आई है। देखिए धीरे धीरे करके इतनी मजबूती इसमें थी नहीं, अक्टूबर 2017 से धीरे धीरे करके शेयर में गिरावट चल रही थी, और गिरावट ऐसी आई, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड मैं कहूँगा यहाँ पे ख़त्म सा हुआ क्या था कि उसके बाद, और अगर आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रॉस किया था इसने इस लेवल को, जो कि एक पॉजिटिविटी दिखा रहा था वीकली चार्ट्स पे। लेकिन देखिए उसके बाद ये फरवरी का वीक आ गया, और आप देख सकते हो, जब भी मैं आपको कहता हूँ कि वीकली चार्ट्स काफ़ी रिलायबल होते हैं तो आप ये समझिए कि वीकली चार्ट रियली में काफ़ी रिलायबल होते हैं। आप देखिए वीकली पे इंडिसीजन जब ये बना, और उसके बाद अगली बार जैसे इसने बियरिश जॉइंट आपको बनता हुआ दिखा यहाँ पे, उसके बाद कोई भी एग्जिट ले सकता था इसको देख के। चलिए यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया, लेकिन ये सपोर्ट टूटने के बाद 180 के बाद एग्जिट लेना जरूरी था, और 180 का टाइम ये 2020 में अभी 180 से गिरा है, आपको यकीन नहीं होगा, ये फरवरी 2020
24 फरवरी वाले वीक में ये 180 190 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से सीधे आके गिर गया 84 पे। देखिए कितने बॉटम पॉइंट पे गया, लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि एकदम यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, बड़ी तेजी देखने को मिली है। और कहाँ से इसने बाउंस बैक किया है, अपने इस सपोर्ट लेवल पे जो कि इसका 23 मई का सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा और क्लोजली दिखाऊं, ये सपोर्ट लेवल इस पॉइंट से नहीं, अगर ये प्रायर यहाँ पे आप 29 जुलाई का लेवल देखोगे तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था। अगर जो मेंबर्स हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि ये जॉइंट देखिए, स्टेज कैटेगरी का जॉइंट ये है और स्टेज कैटेगरी के जॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं, और वैसे ही यहाँ पे हिंडेल्को में हुआ है। अभी इतनी बड़ी डील क्या इस शेयर को और तेजी देगी? है डेफिनेटली तेजी दे सकती है भाई, कोई भी न्यू शेयर को उड़ा सकती है। लेकिन यहाँ पे जरा आवरली चार्ट पे परफॉर्मेंस देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए जरा समझिए आवरली चार्ट की डिटेल। आवरली चार्ट पर अगर मैं देखूं, यहाँ पे बड़ी बाइंग जो मुझे देखने को मिली थी 13 मार्च को, 16 मार्च को, उसके बाद शेयर फिर से नीचे गिरा। और आप इन बॉटम पॉइंट्स पे देखिए, बॉटम पॉइंट जरूर है लेकिन ये बाइंग टावर्स आवरली पे देख सकते हो आप। ये बॉटम पॉइंट जो बनाया है इसने 84 के लेवल का, उसके बाद धीरे धीरे हैवी बाइंग, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बॉटम के आसपास बाइंग जैसे तेजी देखने को मिल गई, तो मतलब कि भाई बाइंग के टावर्स ज़्यादा हैं, बाइंग का एवरेज ज़्यादा है, बाइंग वाले ग्रीन सिग्नल्स ज़्यादा हैं, तो मतलब शेयर में तेजी आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद इन तेजी को, ये वाली तेजी के पॉइंट देखिए, उसके बाद सबसे अच्छी बात ये हुई कि इसने धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी लाया, फिर एक लो बनाया और अब फिर से इस लेवल के ब्रेकआउट को पार कर रहा है। तो एक अच्छी पॉजिटिव बात ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे बड़ी न्यूज़ से पहले इतनी बाइंग। अब ये 2.8 बिलियन डॉलर अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 2.8 बिलियन डॉलर, और हिंडेल्को जैसे शेयर के लिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है देखिए। और यहाँ पे ओवरऑल खरीदारी ज़रूर देखने को मिल रही है, और अब बात यह है कि कौन से लेवल को ये पार करे। अगर फॉर्मेशन वाइज देखोगे तो आपको हायर हाई की फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है। इवन जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये 13 अप्रैल को क्या लायंस अटैक कैंडल, हॉल्ट कैंडल मजबूती, और कल की डेट में जब ये न्यूज़ आएगी, आई है, और ये रात को अभी न्यूज़ आई है, तो कल की डेट में तो ये हलचल मचा देगा मार्केट में। डेफिनेटली हलचल तो मचा सकता है, खबर ही कुछ ऐसी है। और अभी के टाइम पे जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से ये गिरा था, उस इंटेंसिटी से अब तेजी भी देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट को भी देखो तो पिछली, ये पिछला जो स्टार्टिंग का वीक है अभी मंडे जो ट्रेडिंग हुई थी, उसके बाद बिल्कुल विदाउट एनी अपर शेडो, और इवन मैं आपको डेली का चार्ट अगर आप दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि विदाउट एनी अपर शेडो, मतलब स्ट्रांग बुलिश प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। और पिछले 4 दिनों से लगातार उछाल पे, देखिए पिछले 4 दिनों से धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी जरूर है। और मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के बाद आप कई बार देखिए ऐसे टाइम फ्रेम पे ये न्यूज़ आना डील एंड ऑल की, आपको कई बार लगता है कि ये आर्टिफिशियल जो है शेयर को प्राइस को बढ़ाया तो नहीं जा रहा कि इस तरीके से न्यूज़ आ रही है। होता है, जनरली ऐसा होता है, लगता है क्या होता भी है कि ऐसे टाइम पे न्यूज़ आती है जब मार्केट में काफ़ी फॉल शेयर में हो चुका है, ताकि लोग अट्रैक्ट हों शेयर की तरफ, और ऐसे टाइम पे बड़ी बड़ी खबरें आती है। फिलहाल अगर आप देखो कि शेयर ऑलरेडी 84 के लेवल से ये काफ़ी तेज़ी, 84 के लेवल से 114 तक पहुंच गया है, मतलब कि सीधे सीधे मैं कहूँगा 16 और 14, 30 रुपये का जंप इसमें ऑलरेडी आ चुका है। मान के चले कि 30% के आसपास का जंप स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव निशानी है। बट फिलहाल ये बड़ी खबर है। अब मैं आपको हिंडेल्को के कुछ पीयर ग्रुप के शेयर्स दिखाना चाहता हूँ। देखिए जब भी बात आती है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में हिंडेल्को सबसे टॉप का प्लेयर है, उसके बाद आता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी नीचे आ चुका है। ये भी 30-35 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बॉटम के आसपास आ चुका है। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा मेटल सेगमेंट की हालत ख़राब है। हिंडेल्को ही नहीं, नेल्को ही नहीं, आप वेदांता के शेयर को देख सकते हो। जब कॉपर की बात आती है तो वेदांता का शेयर वहाँ पे उसका नाम भी आता है। तो काफ़ी जो है झटका लगा है मेटल सेक्टर को। और एक बार चाइना में जब अभी न्यूज़ आई थी, उसके बाद मेटल सेक्टर में थोड़ा पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिली है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये न्यूज़ जो अभी आई है हिंडेल्को की तरफ से, ये शेयर को थोड़ा सा जंप जरूर यहाँ पे करेगी। और मार्केट का अगर ओवरऑल डिटेल देखा जाए, तो मार्केट का ओवरऑल डिटेल जैसे कि अमेरिकन मार्केट ड्राइव करती है, तो स्टार्टिंग में जैसा हमने देखा था कि 500 पॉइंट, 550 पॉइंट, 600 पॉइंट तक ये चला गया था डाउ जोन्स, लेकिन अब धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, जो कि एक डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अब हमारे पास तो सुबह सुबह जो डाटा होता है वो काफ़ी क्लियर कट होता है, तब तक ये मार्केट क्लोज कर चुकी होती है, और नैसडैक अभी 300 पॉइंट उछला हुआ है। तो कहीं ना कहीं नैसडैक, डाउ जोन्स दोनों पॉजिटिव में, ग्रीन में, और अमेरिका की पूरी मार्केट, चाहे S&P 500 देखो, तो हर कोई ग्रीन में यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब अमेरिका की मार्केट को कल एशिया की मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, फिर आती है इंडिया की बारी, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। फिलहाल अगर आप देखो नैसडैक
देखिए 1 आवर का चार्ट है, मैं मेंबर्स लोगों से कहूंगा देखिए आप क्लियर कर देखिए, फर्स्ट आवर बना, 2 आवर अगले के हॉल्ट कैंडल बनी, देख लीजिए। अब आप अगर मेंबर्स इस वीडियो को कंप्लीटली देख पा रहे हो तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्लियर कट आप देखिए कि कितना बड़ा बढ़िया ये लाइव चल रहा है भी यहाँ पे, और आपका ये स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री पॉइंट, और आप देखिए कितना रिटर्न आपको मिल चुका है। तो यही चीज़ होती है देखने की जब हम कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस हो। देखिए इस बिग कैंडल में कोई अपर शेडो है ही नहीं, और भी बढ़िया पॉजिटिव बात, तो ये आवरली कैंडल है नैसडेक की जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, क्यों कहते हैं वो, इसीलिए कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छा रिटर्न, काफी अच्छा पैसा बना के दे जाती है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।